Okay, friends, let us take the next question. This question comes from the topic digital filter. Let me first read the problem. Consider a 4-point moving average filter defined by equation. हमें एक 4-point moving average filter की हमें equation given है. As you know very well, equation हमेशा किस में होती है? Equation हमारे पास input और output के बीच में होती है. अगर आप ध्यान से देखें, तो x of n क्या होता है? Input. Y of n हमारे पास क्या होता है? Output. तो हमें input में और output में हमें एक equation given है. उसके बाद वो कह रहा है, the condition on the filter coefficient that results in null. Null का मतलब होता है, आपके पास output zero हो जाएगी. कब हो जाएगी? जब frequency आपके पास क्या है? Zero है. तो आपको बताना है कि जो फिल्टर के कोफिशियंट्स हैं इनमें से चारों में से कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे. तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि डिजिटल फिल्टर में हमें तीन ही चीज़ें चाहिए होती हैं. एक इनपुट चाहिए होता है, एक आउटपुट चाहिए होता है, और इनपुट और आउटपुट से हमें क्या मिल जाता है? ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाता है. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं. आप या तो डायरेक्टली एक काम करो, आई की वैल्यू को 0 से 3 पुट कर दो, या तो आप जेड ट्रांसफॉर्म ले लो इसकी डायरेक्टली, या फिर आप इसकी डीटीएफटी ले लो. तो डीटीएफटी लेना काफ़ी बेहतर रहेगा. क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ओमेगा को 0 पुट कर सकते हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को जेड ट्रांसफॉर्म में करोगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा? जेड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ए की पावर जी ओमेगा. क्योंकि डिजिटल फिल्टर में हमारे पास जो रिस्पांस होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उसमें जो वाई एक्सिस होती है वो होती है कैपिटल एच ऑफ ए की पावर जी ओमेगा, और एक्स एक्सिस जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है? ओमेगा हमारे पास होती है. तो आइए दोस्तों, एक काम करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 से 3 पुट कर देते हैं. सो सी द सॉल्यूशन. So, can I say y of n is equal to, this is alpha naught x of n. I की वैल्यू को 0 पुट किया, अब 1 पुट कर देते हैं, प्लस में alpha 1, this is प्लस में alpha 1 इंटू में x of n माइनस 1, प्लस दिस इज alpha 2 x of n माइनस 2, प्लस alpha 3 x of n माइनस 3. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली I की वैल्यू को यहाँ पे 0 से 3 पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, DTFT लेंगे. टेकिंग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, DTFT लेंगे. तो अगर हम दोनों साइड DTFT लें, तो y of n की जो DTFT होगी वो होगी हमारे पास y of e की पावर j ओमेगा. सो दिस इज नथिंग बट अल्फा नॉट प्लस, इसकी DTFT को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में अल्फा 1, दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा, प्लस अल्फा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा, प्लस अल्फा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा, और इनटू में हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा हमारे पास रहेगा. ठीक है, तो हमें पता है, अब उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा. कैपिटल एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा इज नथिंग बट, दिस इज वाई ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हमारे पास कितनी आ गई, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज अल्फा नॉट प्लस दिस इज अल्फा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा, प्लस अल्फा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 ओमेगा, प्लस अल्फा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा हमारे पास आ गया. तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन आ गई है. अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 0 पुट कर देता हूँ. जब मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो हमारे जो फिल्टर के कॉफिशेंट्स हैं वो नल हो जाएंगे, मतलब वो 0 हो जाएंगे. इसका मतलब ये सारे के सारे कॉफिशेंट्स जो हैं ये 0 हो जाएंगे. कब? जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगी, 0. आपको पता है e की पावर 0 1, तो यहाँ से कंडीशन हो गई अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हमारे पास आ गया. अब मुझे देखना कि इन चारों में से हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो दोस्तों, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं. वो कह रहा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू को 0 लो और हमें बताओ कि क्या अल्फा नॉट बराबर आ रहा है माइनस अल्फा 3 के. तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा नॉट को और अगर मैं अल्फा 1 को, अगर हम यहाँ पे अल्फा 1 को और अल्फा 2 को 0 लेते हैं, तो देखो 1 को और 2 को 0 लो, तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी 0 ले लूँ, इसको भी 0 ले लूँ, तो यहाँ से अल्फा नॉट किसके बराबर आ रहा है, माइनस अल्फा 3 के बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन ए है, ए फॉर अलाहाबाद, हमारा क्या है, राइट आंसर है. आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. डिजिटल फिल्टर में वैसे देखा जाए
इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं डिजिटल फिल्टर के बारे में, इनपुट पता है, आउटपुट पता है, ट्रांसफर फंक्शन पता है, इनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो डिजिटल फिल्टर के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी समय जो कमेंट बॉक्स में आप जो लिख दिएगा, जिस भी ड्यूरेशन पे वीडियो चल रही है, आपको जब कभी भी डाउट हो उस ड्यूरेशन का आप वहाँ पे टाइम लिखिएगा, एंड आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग टू योर कमेंट।